मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया और हम एक परिचय आपको बताते हैं। इसके साथ आप महाराज जी की रसोई का गेट देख रहे हैं। दस्तक जिंदगी भी यही है, धर्मनिष्ठ पत्रिका का संचालन भी यहीं से हो रहा है और दस्तक मीडिया पर आप बाबा भीम करोड़ जी कथाएं सुनी रहे हैं। और ये जो मुहिम है अन्नदान की, तो उसका दरवाजा ये और आप कई बार देख चुके हैं। वस्त्र दान की मुहिम के अंतर्गत कई लोग जाते थे, कई लोग करते थे, लेकिन अब एक संक्षेप इसलिए किया है कि कम लोग होके और अपना अभियान जारी रख सकते हैं। तो व्यवस्था तैयार है और हमारी टीम में केवल दो आदमी है, दिखाई तो तीन भी पड़ रहे हैं पीछे, लेकिन दो आदमी है। ये मिस्टर शिव कुमार दुबे हैं, कैमरा संभालते हैं और पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, तो ये वहां करेंगे और हम चलते हैं आपके साथ आज के कंबल वितरण और अन्नदान संयुक्त यानी मिष्ठान वितरण के लिए। चले हमारे साथ। चाय पिलवाए, एक चाय और ले आओ भाई, चाय और पियो। सिकंदर तुम मेरे साथ चलोगे नहीं जाओगे? चलो बैठो। तुम चलो बैठ गया सिकंदर, कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? खाना कैसे खाते हो? खाना कहाँ से मिलता है? अच्छा, तुम अभी खाना खाओगे या चाय पियोगे? अच्छा चाय पिलवा दो। तुम्हें हम एक जगह बता दें वहाँ तुम खाना खाया करो फ्री में रोज। आज तुम्हें बुलवा लें 1 बजे? इधर इटावा रोड जानते हो? नहीं जानते हो? महाराज जी की रसोई में रोज खाना खाते हो, सुबह चाय पियाया करो। जी चाय चाय तो उधर मिलेगी साहब, सामने दुकान पे। बिस्कुट नहीं खाते हो? ले लो चलिए। प्राचीन मंदिर है यहाँ पर और ब्रह्मदेव का मंदिर, इसी नाम से ये जाने जाते हैं। ब्रह्मदेव की मूर्ति है यहाँ पर, आप दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर सौखाबाद रोड देवर पर ये विराजमान है और पता नहीं ये कब से यहाँ पर स्थापित है, लेकिन ये आश्रम जो है गीता आश्रम के नाम से सुप्रसिद्ध है क्षेत्र में। यहाँ लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा से और यहाँ मेला भी लगता है। तो आज इस अवसर पर यहाँ के जो साधु संत हैं, महाराज जी की रसोई की तरफ से छोटी सी भेंट आप सबकी तरफ से मैं प्रस्तुत करता हूँ और सबसे पहले नमन करता हूँ। मेरे साथ आप सब लोग अपनी हाजिरी लगा लीजिएगा। तो ब्रह्मदेव बाबा के दर्शन करते हुए आइए परिक्रमा कर लेते हैं। मेरे साथ मन है स्थिति से आप यहाँ पर परिक्रमा कर लीजिएगा और ये परिक्रमा करते हुए आप अपने मन की इच्छाएं और अपने मन की मुराद मांग लीजिएगा।
सबकी तरफ से ये श्रृंखला जारी है, वस्त्रदान और अन्नदान। अन्नदान की मुहिम महाराज जी की रसोई के द्वारा जो चल रही है, उसी का एक एक धारा कह लें, उसी की एक धारा वस्त्रदान में चल रही है। आज इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, ये अभी तक पूरे शाम तक चलेगी ये श्रृंखला, तो जहां जहां हम जाएंगे वहां की कुछ झलकियां हम आपको देंगे। प्रणाम करता हूं मैं सब। हम पहुंच चुके हैं किन्नरकड्डी आश्रम, जहां पूज्य सूक्ष्म रूप रख चुके सुख राजगीर महाराज जी की तपस्थली है, और जहां आज बैठे हैं, आज भले ही ये टाइल्स या संगमरमर की ऐसी फर्श दिखाई पड़ रही हो, ये जो खिड़की अंदर का दृश्य है, जो कमरा दिखाई पड़ रहा है, ये खो हुआ करती थी मिट्टी की, और यहाँ पर न तो ऐसा कोई दरवाजा होता था और न ही कोई इसमें रहने की कोई खास व्यवस्था थी। उसी मिट्टी की चादर में उसी को एक बना लेते थे। मैं ये कहूँ कि उनका शयन या कक्ष था, और यही 24 घंटे की तपस्थली थी उनकी। बहुत वर्षों तक वो इसी जगह में रहे, और जब मैंने देख दर्शन किए थे तो वो इसी जगह विराजमान हुआ करते थे। आज महाराज जी के चित्र रखे हुए हैं, उनकी जगह यहाँ सेवा कर रहे हैं। शुभ नाम क्या है साहब आपका? राम जी लाल। राम राम साहब। ये राम जी लाल जी हैं और यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था संभाले हुए हैं। तो आज इस यात्रा में हम आप सबकी तरफ से कंबल भेंट कर रहे हैं। मनह स्थिति से आप लोग अपने कर कमल शामिल कर लीजिएगा। यात्रा का अगला दौर कपिल मुनि आश्रम में आ गया हूं मैं, और यहां पर अभी देखते हैं, जैसा कि दुबे जी पहले अनुसंधारित कर गए थे कि एक सेवक है जो बिल्कुल दरवाजे पर बैठते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा और बागवानी का भी काम करते हैं। तो चलते हैं हम उनके पास। क्या क्या काम करते हो यहाँ पे? अच्छा, इसी में रात में इसी में रहते हो? दरवाजा नहीं है इसमें? दरवाजा कहाँ है मालिक ने लगवाने के लिए? लगवाने के लिए कहाँ है? चलिए आइए शंकर जी के सामने, हम आपको लिए चलते हैं और आपको देते हैं हम एक कम्बल। नमस्कार। आज 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर ये वस्त्र वितरण का भी आपने देखा, यहाँ भोजन प्रसाद मिष्ठान यहाँ लाए हैं आपके लिए, समोसा चाय और मिष्ठान है, गजक है, ये लगातार बढ़ रहा है। और हमने ये सोचा कि साधु संतों के बीच में, श्रमिकों के बीच में वस्त्र दान, अन्न दान, मिष्ठान, ये सब कुछ आज चले, तो इसलिए प्रातः वेला से ये मुहिम लगातार जारी है। ये सब लोग लगे हुए हैं, मतलब ये खाने में लगे हुए, तो टीम बांटने में लगी हुई है। तो चलिए करते हैं शेयर। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रवाह
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित जम्भू फलचारु भक्षिणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादि पंकजं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जाशु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर बलि बांधत प्रभु बाड़ेउ सोतनु वरनि न जाय उभय गरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी महावीर बिन भव हनुमाना राम जास जस आप बखाना अवरल भगत बिरत सत संगा चरण सरोरोह प्रीत अभंगा अंगद कहि जाऊं मैं पारा जी संसय कछ फिरती बारा जामवंत कहे तुम सब लायक पठे किम सब ही कर नायक पवन तनय बल पवन समाना बुद्ध विवेक भी ज्ञान निधाना कारी चुपति सुन हनुमाना का चुप साध रहउ बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई राम काज लग तब अब तारा सुनते भयो पर्वताकारा कनक बरन तन तेज बिराजा मानु अपर गिरन कर राजा सिंहनाद कर बारही बारा लीलई नागं जल निधिखारा सहद सहाय रावनहि मारी आन्यु यहाँ त्रकूट उपारी जामवंत मैं पूछौ तोही उचित सिखावन दीजौ मोही इतना करहु तात तुम जाई सीते देख कहौ सुध आई तब निज भुज बल राजी बुनैना कौतिक लाग संग कप सेना कपि सेन संग संगार निसिचर राम सीतयानी है त्रैलोक पावन सुजस सुर मुन नारदा देव खाने है जो सुनत गावत कहत समुजत परम पद नर पावै रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणारि तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करै त्रसिरार नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनिय ताश गुण ग्राम जासु नाम यज्ञ खग वधिक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन भव हनुमाना राम जास जस आप बखाना अविरल भगत बिरति सत संगा चरण सरोरो प्रीत अभंगा शांतं शाश्वतं प्रमेह मनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं
रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नान्या इस प्रहार रघुपते हृदय दिए सत्यम वदामि चा भवान खिलांत्रा तुमा भक्तिम प्रचर रघुपुण्यम निर्वराम मे कामादि दोष रहतम कुर्मान समचा अतुलित बलधाम महेम शैला वदेहम धनुज बन कृषानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रियवाक्तम वात जातम नमामि। जमवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लग मोय परखेउ तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आबो सीतै देखी होय काज मोय हर्ष बिसेखी एक नाय सबन कौ माथा चल भर से ही धर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी तर के उपवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमय मोग रघुपति करबाना एही भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तै मैं ना कहूँ समहारी हनुमान ते परसा कर पुण्य कीने प्रणाम राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी जात भवन सुत देवन देखा जानै कहूँ बल बोध विशेखा। सुरसा नाम अहन कै माता पठियनिया कही तेई बाता आज सुरन मोए दीन आहारा सुनत बचन कहे पवन कुमारा राम काजू कर फिर मैं आबो सीता के सुध प्रभही सुनावो तब तब बदन पैठे हम आई सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। कब ने जतन दे नहीं जाना ग्रसस नमोहि कयउ हनुमाना जो जन भर तेई बदन पसारा कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रही जो जन मुख तेई ठयउ तुरत पवन सुत बातिस भयउ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ताशु दून कपि रूप दिखावा सती जो जन तैयानन कीना अति लघु रूप पवन सुतलीना बदन पैठ पुने बाहर आवा मांगा विदाता सिरुनावा कि मोय सुरन जे लागे पठावा बुधे बल मरम तोर मैं पावा राम का
काज सब करिहं तुम बल बोध निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना। निश्चर एक सिंधु में रही कर माया नबो के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिन के परछाई। गई छासक सोना उड़ाई यही विद सदाग गन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपट कप तुर तई चीना। ताहे मारे मां रुत सुत बीरा बार दिपार गयो मत धीरा। तहां जाई देखी बन शोभा गुंजत चंच रीख मद लोभा। नाना तर फल फूल सुहाए खग मृग बंद देख मन भाए। शैल विशाल देख के आगे ता परिधाए चढ़े भय त्यागे। उमा न कछु कपि कह अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका तेही देखी कहीं न जाए अत दुर्ग विशेखी। अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनिक कोट विचित्र मन कृति सुंदरा यतिना घना चौहट हट सुभट बीथी चार पुर बहुविध गज बाज खचरी निकर पदचर रथ बरूथन को गने बहु रूप निश्चर झूठे अत बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उप बन बाटिका सर कूप बापी सोये नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोह। कहु माल देह विशाल सैल समान अत बल घर जई नाना अखारन भिरई वो विद एक एक कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगरी चौदिस रचही। कह मानस मानस धेन खर अज खर निसाचर भचही। यही लाग तुलसीदास की कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ सरेर त्याग गति पै है सही। पूरी रखवारे देखी बहु कप मन कीन विचार अति लग रूप धरो निस नगर करो पैसा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। अवरल भगत बिरत सत संगा चरण सरोरम प्रीत अभंगा। मसक समान रूप कप धरी लंके चलेउ सुमेर नर हरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी सोके चल सिमोए निंदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोरे
आहार जहाँ लग चोरा मुठ का एक महाकपिहानी रुद्र बमत धरनी ठन मनी पुनि सवार उठी सोलंका जोर पानी कर विनय ससंका जब रव नहीं ब्रह्म भर दीना चत बिरंच कहा मोय चीना विकल हो सितें कपि के मारे तब जान सिनिश्चर संघारे ताति मोर अति पुण्य बहुता देखु नयन राम कर दूता ताति स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलायिक अंग तूलिन ताहे सकल मिले जो सुख लब सत्संग मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु सु दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन वहूँ अनुमाना राम जास जसु आप बखाना अविरल भगत बिरत सत्संगा चरण सरोरो प्रीत अमंगा प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राके कौशलपुर राजा गरल सुधारिपु करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेरु रेन समुताही राम कृपा कर चित बाजाई अति लग रूप धरो हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा देखे जहाँ तहाँ अगिनित जोधा गय दसान मंदिर माही अति विचित्र कहे जात सुनाई सैनिक ये दे खाकपते ही मंदिर मोहना दिख दे भवन एक पुनि दिखे सुहावा हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए नव तुलसिका वृंद देखे हरस कपिराए लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ स जन कर वासा मन मोह तरक करें कपिलागा तेही समय विभीषण जागा राम नाम तेही सुमिरन कीना हृदय हरस कप सजन चीना ये सन हट करे औ पहचानी साधु ते होए ना कारज हानि विप्र रूप धरे बचन सुनाए सुनत विभीषण उठे तहाए करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहौ निज कथा बुझाई कि तुम हरदा सन में कोई मोरे हृदय प्रीतयत हुई कि तुम राम दिन अनुरागे आयउ मोए करन बड़ भागी कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मने
मगन सुमिरे गुण ग्राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना अबरल भगत बिरत सत संगा चरण सरोरो प्रीत अभंगा सुनो पवन सुत रहिन हमारी जिम दसनन महाजीव बिचारी ताते कबहु मोए जाने अनाथा करियहि कृपा भान कुल नाथा तामस तन कछु साधन नाही प्रीत न पद सरोज मन माही अब मोए बा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम होए दरस अट दीना सुनो विभीषण प्रभु के रीति करे सदा सेवक पर प्रीति कहु कबन में परम कुलीना कप चंचल सभी विदीना प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहे न मिले आहारा असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचननी मंगल भवनिया मंगल हारी की बोलो सिया राम हरे द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी की बोलो सिया राम हरे जानत हूँ वस स्वाम बिसारी फिरैत काहे ना होए दुखारी ये विद कहत राम गुण ग्रामा के बोलो सिया राम हरे बाबा अनबाच विश्रामा की बोलो सिया राम हरे पुन सब कथा भी भीषण कही जय विद जन की सु ताता रही तब हनुमंत का हा सुन भ्राता के बोलो सिया राम हरि देखी चये हूँ जानकी माता के बोलो सिया राम हरि जुगत विभीषण सकल सुनाई चले उपवन सुत विदा कराई कर सोई रूप गए यऊ पुनितावा के बोलो सिया राम हरि बन यशो किसी तार जावा के बोलो सिया राम हरे देख मनई महू कीन प्रणामा बैठे बीत जात जिस जामा कृष तनु शीश ज टाइक बैनी की बोलो सिया राम हरि जपत हृदय रघु पति गुण श्रेणी की बोलो सिया राम हरि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी बा पवन सुत देख जान की दीन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी तरु पल्लव महो रहा लुकाई करई विचार करो का भाई।